अपनी शक्ति का दिखावा ना करें। जब समय आएगा तब सभी को मालूम हो जाएगी हमारी ताकत। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित रहता था। राजा पंडित की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित था। एक दिन भरे दरबार में राजा ने पंडित से कहा कि आप तो बहुत विद्वान हैं, लेकिन आपका पुत्र मूर्ख क्यों है? ये प्रश्न सुनकर पंडित को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजा से कहा कि महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा ने कहा कि मैंने उससे पूछा था कि सोना और चांदी में से क्या मूल्यवान है, तो वह चांदी को ज्यादा मूल्यवान बताता है। उसे यह भी नहीं मालूम कि कौन सी धातु कीमती है। पूरा दरबार पंडित पर हंसने लगा। उसे बहुत बुरा लगा। वह दरबार में बिना कुछ बोले अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर पंडित ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा सोना और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी सोना ज्यादा मूल्यवान है। ये जवाब सुनकर पंडित ने बेटे से कहा कि तुम ये बात जानते हो तो राजा को गलत जवाब क्यों देते हो? पंडित जी के बेटे को पूरी बात समझ आ गई। उसने कहा पिताजी राजा रोज सुबह मुख्य बाजार में प्रजा से मिलने आते हैं, मैं भी वहां जाता हूँ। वह रोज मेरे सामने एक सोने का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं और बोलते हैं कि इनमें से जो मूल्यवान है उसे तुम ले सकते हो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। पूरी प्रजा मेरा मजाक उड़ाती है, लेकिन मैं सिक्का लेकर घर आ जाता हूँ। पंडित ने कहा कि बेटा जब तुम जानते हो कि सोना ज्यादा मूल्यवान है तो तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं लेते हो? बेटे अपने पिता को अंदर कमरे में ले गया और एक संदूक खोलकर दिखाया। उस संदूक में ढेर सारे चांदी के सिक्के थे। पंडित ने कहा कि बेटा इतने सिक्के कहां से आए? बेटे ने बताया कि रोज सुबह राजा से जो सिक्के मिलते हैं ये सब वही है। जिस दिन मैं राजा के सामने सोने का सिक्का उठा लूंगा वह मुझे सिक्का देना बंद कर देंगे। सोने के सिक्के के चक्कर में इतने सारे चांदी के सिक्के का नुकसान करना बुद्धिमानी नहीं है। पंडित को पूरी बात समझ आ गई। वह समझ गया कि उसका बेटा मूर्ख नहीं है बल्कि बहुत बुद्धिमान बहुत चतुर है। अगले दिन पंडित जी अपने बेटे को और उस संदूक को लेकर दरबार पहुंचे। राजा को पूरी बात स्पष्ट रूप में बताई। पूरी बात मालूम होने के बाद राजा ने भी पंडित के बेटे की प्रशंसा की और सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक उपहार रूप में उसे दे दिया। दोस्तों कथा की सीख बहुत प्यारी है। इस कथा की सीख यह है कि हमें हमारी शक्ति का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। कई बार अपनी शक्ति दिखाने के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाता है। जब शक्ति दिखाने का सही समय आए तभी शक्ति दिखानी चाहिए। उस समय सभी को मालूम हो जाएगा हमारी ताकत के बारे में। यदि आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो यह आपकी ताकत बन जाती है, लेकिन यदि आप दूसरों पर भरोसा रखते हैं तो यह आपकी कमजोरी भी बन जाती है। सफल लोग वह नहीं होते जो गलती नहीं करते, बल्कि सफल लोग वह होते हैं जो जीवन में एक ही गलती कभी दो बार नहीं करते। दोस्तों यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।